बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त असी पंजाब स्टेडियम लाहौर तो बिल्कुल थोड़े नाल लाइव रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का फाइनल मुकाबला फुटबॉल की वड्डी टक्कर लाहौर वर्सेस फैसलाबाद। दोनों टीमें फाइनल के लिए जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगी। देखते हैं कि ये फाइनल कौन सी टीम जीतेगी। एक तरफ लाहौर और दूसरी तरफ फैसलाबाद, वो कामयाब हो जाती है और देखते हैं। और ये इधर मौका मिला है, लेकिन पहला कॉर्नर और लेकिन बहुत जबरदस्त टैकल किया लाहौर के नौजवान फजल ने। जिंदाबाद। जिन्हों में दो टीम निकल के फाइनल वास्ते बिल्कुल मैदान के ने पंजाब स्टेडियम लाहौर तो अपन लाइव थोड़े नाल। वेल डन जिंदाबाद अब्दुल कदीर खान, इंतहाई जबरदस्त तरीके नौजवानों हदायत भी जारी करता कि फाइनल चैंपियन किस तरह बनना। सेंटर लाइन तो क्रॉस करके लाहौर के पाले च बाल ज्यादा रह रहा हजे, बहर कैफ जिन्हों दबे मौला। आहिस्ता आहिस्ता कदीर के पास बाल, कदीर ने अली को बाल दिया है, अली बाल लेके आगे जाने की कोशिश, बैक पास कदीर को दिया है, देखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत पास दिया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरती से उनको टैकल किया गया। और शानी के पास बाल, फिर दोबारा लाहौर के पाले में बाल है, लाहौर के पास बाल कदीर, और यहां पर फॉल हुआ है। बहुत खूबसूरती पास दिया है, बाल दोबारा कदीर के पास, अरे दरान के पास 15 नंबर किट में दरान बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से गोलकीपर ने उसको कवर किया, कन्वर्ट किया गया। बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छा पास निकाला, खतरनाक डी में हो सकता है यहाँ पे चांस मिल सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उसे क्लियर किया। फजल ने किक की है और खतरनाक डी में किक है, लेकिन उसे बहुत खूबसूरती से क्लियर किया। शानी के कोलों बाल नु अगे लगाना भी बहुत औखी गल है। वेल डन, 15 नंबर किट, फॉरवर्ड बॉल बिल्कुल सेंटर, ए खतरनाक कदीर के पास, बहुत जबरदस्त हमला, लेकिन मोहम्मद वसीम गोलकीपर नु दाद देनी पड़ेगी, एक भरपूर क्लैपिंग चाहिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। फुटबॉल का जो फाइनल मैच पंजाब स्टेडियम लाहौर तो बाल फैसलाबाद के कोल, जबरदस्त शूट और सिर्फ एक करी फेल, बॉल गजनफर अब्बास के कब्जे। शानी ने बॉल नु क्लियर किया, बॉल मोहम्मद अदनान के कोल, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद जाहद गप को, वेल डन जिंदाबाद कदीर, और दोबारा कदीर का ये हमला, बहुत ही अच्छा पास, इस तरह मौका बन सकता है, बहुत ही जबरदस्त मौका, बड़ा खूबसूरत बना, लेकिन गुलाम फरीद ने बॉल नु क्लियर करने की बहुत कोशिश की, गुलाम फरीद और अटैक, फिर जबरदस्त बॉल मोहम्मद वसीम गोलकीपर के कोल, और कार्नर है, बहुत ही अच्छा बैक पास दिया है। देखते हैं के गुलाम फरीद ने किक की थी और गोल के बाहर के लिए साइड पे, फजल देखते क्या करते हैं, फजल के पास बॉल हिट किया सीधा गोल की तरफ, लेकिन कदीर ने हिट किया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से क्लियर किया, अच्छी किक की सीधा गोल की तरफ, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से क्लियर किया। और इधर एक हमला हो सकता है लाहौर की तरफ से, मौका मिल सकता है दरार के पास बॉल, और बहुत ही खूबसूरती से क्लियर किया बाल, एक करी फिर फैसलाबाद के कब्जे, खतरनाक नीद में जा सकते, लेकिन मोहम्मद यासर ने इंतहाई जबरदस्त तरीके ना बाल क्लियर किया, और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। और कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अफजाल साहब ने भी, जी जी नौजवान जाहद ने कोई चोट महसूस की थी। जी पहले हाफ का समा बीत गया, अजे तीकर कोई भी टीम स्कोर करने च कामयाब नहीं हुई। क्रिकेट मुबारक का टाइटल है ये, और वी आर बैक लाइव फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनल। नौजवान बाल तोड़िया लाहौर के नौजवान 11 नंबर किट, नौजवान जुहेब अहमद सेंटर फॉरवर्ड तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता पे 17 नंबर किट, लेकिन अजनबी राणा इमरान अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कबड्डी एसोसिएशन फैसलाबाद, इधर की हो गया जी। और यासिर ने अच्छा पास डिलीवर किया है और इंटरसेप्शन की यहाँ पे फैसलाबाद के खिलाड़ी ने, और इनके स्ट्राइकर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसने आड़े हाथ लिया लाहौर के डिफेंडर ने और ये फाउल कमिट किया जी। बिल्कुल फैसलाबाद के अमर के पास बॉल और यहाँ पे बॉल को इंटरसेप्ट किया और इशारा ये था कि बॉल शायद बाहर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बड़ी खूबसूरती से बॉल को अली को बॉल दी है, अली ने बहुत ही खूबसूरती और किक की है, खतरनाक डी में दाखिल है, और ये मोहसिन वट्टू ने बॉल को क्लियर किया था यहाँ पे फ्री किक वास्ते, खतरनाक किक,
और इतने कुछ भी उस लेकिन बकार बलोच ने बाल क्लीयर करने की कोशिश मोहसन भट्टू बाल मोहसन भट्टू को लेकिन नहीं सेंटर लाइन क्रॉस की एक करी फिर हमला जबरदस्त थे लेकिन क्लीयर करने की कोशिश नौजवान छानी बाल 18 नंबर फैसलाबाद के कोल ए जिंदाबाद बहुत जबरदस्त अटैक लेकिन बॉल गलबन क्लीयर होया बाल मुजम्मल के कोल अपड़ गया गोलकीपर के कोल इस टाइम बाल बाल क्लीयर करने की कोशिश अगो नजर भी आंदियां सीसा पलाई वकार बलोच भी नजर आ रहा है 11 नंबर किट और मैच का आखिरी मिनट मैच फिनिश और ये अच्छा खेल दोनों टीमों ने यहाँ पे पेश किया लाहौर और फैसलाबाद की टीमें दोनों हाफ में गोल करने में नाकाम रही और अब ये पेनल्टी शूट आउट के लिए मैच जाएगा टॉस फैसलाबाद ने जीतिया जी मुजम्मल रेडी और जो गोल तारियां चाहिए पहला स्कोर फैसलाबाद के हक गुजनफर अब्बास गोल करने च कामयाब वेल डन नो एब्सोल्युटली बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट क्लैपिंग चाहिए वेल डन काका काका इंटरनेशनल सलमान काका वेल डन जिंदाबाद फैसलाबाद दो पेनल्टी है दो स्कोर लाहौर एक पेनल्टी किक करने वास्ते जी स्कोर स्कोर लाहौर एक फैसलाबाद दो और मुजम्मल कीपर नहीं स्कोर 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 पावर शूट स्कोर वेल डन जिंदाबाद एक्सीलेंट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किक वास्ते शूट वास्ते तैयार बर तैयार जी एक करी फिर काका अगेन काका अगेन काका अगेन काका एक करी फिर स्टॉप करने में कामयाब सलमान काका अगर फैसलाबाद विन कर दे तो अज भी फतह का सेरा सलमान काका दे गल जाएगा सलमान काका और पूरी दुनिया के प्लेंटी किक का स्पेशलिस्ट मनिया जाता है जी और स्कोर भी और काका फुटबॉल चैंपियनशिप की फातिहा करार और देख सकते हैं आप उनके खिलाड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं बल्ले बल्ले मुबारकबाद जी फैसलाबाद चैंपियन जिंदाबाद इंतहाई जबरदस्त माहौल और फैसलाबाद के खिलाड़ी तुसी वेंदे पे हो कि रब सच्चे दी बारगाह च सजदा गुजार ने सजदे पेश करते पे ने